26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास हाथ में हथियार ना हो, क्योंकि लगभग बिहार में शादियों का जब सीजन होता है और ऐसी तस्वीरें ऐसी खबरें निकल कर सामने आ जाती है कि शादी के सीजन के दौरान अक्सर गोलीबारी होती रहती है, अक्सर लोग जो है बारातियों में जो है गोली चला देते हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 वर्ष की है और वो इस उम्र में भी अपने ही हाथ से गन फैक्ट्री चलाता है। गन जो है वो खुद से ही बनाता है। दरअसल बिहार पुलिस ने, खासकर पूर्णिया पुलिस ने, एक छापेमारी करके अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें 60 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और ये बुजुर्ग व्यक्ति उस मिनी गन फैक्ट्री का मालिक है। ये खुद से ही गन बनाता था और इस मिनी गन फैक्ट्री को संचालित करता था। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बरहड़ा थाना पुलिस ने सुखासन कोठी गांव में शेखर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शेखर सिंह अवैध हथियार बना रहा है। छापेमारी में पुलिस ने 390 कारतूस, 3,68,000 और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एसपी कार्तिकेय शर्मा खुद मौके पर मौजूद थे। शेखर सिंह के दो बेटे और मंटू यादव भी इस धंधे में शामिल बताए जा रहे हैं। शेखर सिंह पिछले 30 सालों में ये काम कर रहा था। पूर्णिया के बरहड़ा थाना क्षेत्र के सुखासन कोठी गांव में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शेखर प्रसाद सिंह के घर पर छापेमारी की है। वहां से पुलिस को एक मिनी गन फैक्ट्री मिली। पुलिस ने शेखर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना कल की है। पूर्णिया के कार्तिकेय शर्मा ने, यानी एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि शेखर सिंह लंबे समय से अवैध हथियार बना रहा था। पुलिस ने शेखर सिंह के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इनमें 388 जिंदा कारतूस, 5 खोखा और 3,68,000 नगद शामिल है। पुलिस को 3 हैंडेड ड्रिल मशीन और 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। हथियार बनाने के कई और उपकरण भी बरामद हुए हैं। ये सबूत बताते हैं कि शेखर सिंह बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा था। शेखर सिंह सिर्फ हथियार बनाने का काम ही नहीं करता, वो इन हथियारों को बेचता भी था। पुलिस को पता चला है कि शेखर सिंह के दो बेटे और मंटू यादव नाम का एक व्यक्ति भी इस धंधे में शामिल था। वे बाहर से गोली लाकर बेचते थे, साथ ही शेखर सिंह द्वारा बनाए गए हथियारों को भी सप्लाई करते थे। ये एक बड़ा रैकेट चला रहे थे जिसका पर्दाफाश अब पुलिस ने कर दिया है। पुलिस अभी मामले की जाँच कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि कई और खुलासे हो सकते हैं। शेखर सिंह पिछले 30 सालों से हथियार बनाने का काम कर रहा था। वो कई तरह के हथियार बनाता है, जैसे कि पिस्टल, थ्रीनेट वगैरह। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने कितने हथियार बेचे हैं और किन किन लोगों को बेचे हैं। ये गंभीर मामला है और पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, पूर्णिया पुलिस को बीते दिनों एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, जहां पर बरहड़ा थाना क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री, वो भी अवैध तरीके से इस मिनी गन फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था, जिसका जो मालिक है वो 60 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम शेखर सिंह है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 30 सालों से वो इस धंधे में लगा हुआ है और न ही सिर्फ वो इस फैक्ट्री में जो है गन बनाता था, बल्कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का भी काम करता था। फिलहाल पुलिस और भी जांच कर रही है। पूरे अपडेट में जो कुछ भी अपडेट निकल कर सामने आएगा हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।